Question number second. In each of the following, find the value of k for which the points are collinear. कोलिनियर की हमारे पास कंडीशन होती है, जब भी हमारे पास कोई कोलिनियर दे रखा होता है, कोलिनियर्स होता है हमारे पास, एनी थ्री पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए सिंगल लाइन पे जब कोई भी तीन पॉइंट लाई करते हैं हमारे पास, तो वो मोर देन थ्री पॉइंट, तो उनको बोलते हैं हम कोलिनियर में. कोऑर्डिनेट सिमेट्री में जब कोलिनियर कंडीशन गिवन होती है, तो हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया है उसको हम इक्वल पुट करेंगे जीरो के. तो गिवन है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट, तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास कंडीशन होती है जब हमारे पास कोलिनियर पॉइंट गिवन होते हैं. सेम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन एरिया उसको इक्वल पुट करेंगे हम जीरो के. सोल्व करेंगे वन अपॉन में टू एक्स वन, एक्स वन इज सेवन, वाई टू माइनस में वाई थ्री, y2 is 1 minus में y3 is k, plus में x2, x2 is 5, y3 minus में y1, y3 is k, minus में y1, y1 is minus 2, minus minus plus 2, plus में x3, x3 is 3, into में y1 minus में y2, y1, y1 is minus 2, minus में y2 is minus 1. ये हमारे पास आएगी कंडीशन, और हम पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो. सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा 1 अपॉन में 2, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस में 7 के, प्लस में 5 से 5 के, प्लस में 5 टू जा 10, यहाँ आएगा माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 3, 3 और माइनस 3 ही, तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 जा 9 इक्वल टू जीरो. टू है वो मल्टीप्लाई जाएगा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा इक्वल टू जीरो. यहाँ सोल्व करेंगे तो ये आएगा सेवन प्लस में नाइन, सेवन प्लस नाइन इज सेवनटीन, और सेवनटीन माइनस में नाइन, सेवनटीन माइनस में नाइन हमारे पास आ जाएगा दिस, तो ये आएगा माइनस सेवनटीन, और सेवन प्लस में 10, 17 माइनस में 9, और माइनस 7 के और प्लस 5 के इज माइनस 2 के इक्वल टू जीरो. यहाँ आएगा हमारे पास 8, यहाँ आएगा 8 माइनस में 2 के इक्वल टू जीरो. यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8 इक्वल टू 2 के, 2 से कैंसिल करेंगे 4, तो k है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4. K की वैल्यू ही हमें इसमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी. दैट्स इट. सेकंड पार्ट है हमारे पास, गिवन वर्टिसेस है 8, 1, K माइनस 4, 2 माइनस 5. K की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. कंडीशन सेम गिवन है, कोलिनियर पॉइंट है. कोलिनियर पॉइंट में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो. तो जो फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, गिवन वैल्यू है वो इसमें हम करेंगे पुट. तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2, x1, x1 इज 8, y2 माइनस में y3, y2 इज माइनस 4, y3 इज माइनस 5, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस में x2, x2 इज k, इनटू में y3 माइनस में y1, y3 इज माइनस 5 एंड माइनस 1, y1, y1 is 1, तो minus 1, plus में x3, x3 is 2, into में y1, y1 is 1, minus में y2, y2 is plus का हो जाएगा हमारे पास 4. Solve करेंगे, equal to है area वो put करेंगे हम 0, तो यहाँ से equal to का sign है वो हट जाएगा. तो 1 upon में 2, 8, multiply, 5 minus 4 is 1, यहाँ आएगा हमारे पास माइनस का 6, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 6 के, प्लस में 5, 4 प्लस 1 इज 5, और 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इक्वल टू 0. 2 है जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये तो यहाँ से ये कैंसिल. यहाँ आएगा हमारे पास 8 माइनस में 6 के प्लस 10 इक्वल टू 0. 8 प्लस 10,
8 plus 10 is 18. 18 minus 6k equal to 0. 18 equal to 6k. 6 से cancel out करेंगे ये आएगा 3. यानी हमारे पास k है. k की value आ जाएगी 3. हमें k की value है वो find out करनी थी. तो जो यहाँ vertices है वो हमारे पास हो जाएगा 3 and minus 4. That's it.